हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीज। तो इस वीडियो में आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल बट बहुत ही यमी सब्जी की रेसिपी, और वो है गाजर बीन्स और आलू की सब्जी। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और इंस्टेंट बनने वाली सब्जी है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है जिसे मैंने पील करके चॉप करके और वॉश कर लिया है। दो पटेटो लिए हैं, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है और वॉश कर लिया है। 150 ग्राम मैंने यहाँ पे बीन्स ली है जिसे मैंने थोड़े लंबे लंबे पीसेस में कट किया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। तो ऑयल को थोड़ा धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 TSP जीरा एंड 1/8 TSP मेथी दाना। फ्लेम को कर लें मीडियम में ताकि मसाले जले नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज रफली चॉप अनियन यानी प्याज, और इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। फ्लेम को आप हाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे वेजिटेबल्स जो हमने चॉप किए थे और इसे अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में। तो ये जो सब्जी है ये बहुत यमी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। तो ये देखिए सब्जी थोड़ी सी भुन गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 TSP हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डाल के भी हम इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में। तो अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम में इसे। तो सारे वेजिटेबल्स अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ 1/2 बोल के करीब, ताकि जो आलू वगैरह हैं थोड़े जल्दी से कुक हो जाएं। तो इसे अब ढक करके पकाएंगे हम 3 से 4 मिनट तक, या जब तक कि आलू अच्छे से कुक ना हो जाएं। तो चलिए चेक करते हैं। तो आलू अच्छे से कुक हो गए हैं, और वैसे भी ये नए आलू हैं विंटर वाले, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो बस अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैं 1/2 TSP चाट मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है इस सब्जी में। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 TSP कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से अब कर लेंगे मिक्स। फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई रखना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक यानी सॉल्ट। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 TSP गरम मसाला, आप चाहें तो 1/2 TSP भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से कर लेंगे मिक्स और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो अब मैं इसे ढक करके पकाऊंगी 2 मिनट तक। 3 से 4 मिनट तक मैंने भूना, अब मैं इसे ढक करके पकाऊंगी 2 मिनट तक, ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और सब्जी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई है, अच्छे से भुन गई है। तो बस 1 मिनट तक और भूनेंगे इसे। तो ये देखिए सब्जी बहुत इंस्टेंट बहुत यमी लगती है। इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती मैं डाल रही हूँ, इससे ये और ज़्यादा यमी लगने लगे। तो सब्जी बन करके हो गई है तैयार। मैं कर रही हूँ फ्लेम को ऑफ, और अब मैं इसे करने जा रही हूँ सर्व। तो ये सब्जी बहुत इंस्टेंट बन जाती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत हेल्दी सब्जी है। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।